हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जहां हम लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं। मैं हूं जावेद और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द फंडामेंटल राइट्स इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, सो फंडामेंटल राइट बेसिकली कह सकते हो आप इज अ चार्टर ऑफ राइट्स जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कंटेन किया गया है। ये गारंटी करता है सिविल लिबर्टीज को लेकर, ताकि इंडियंस अपने लाइफ को पीसफुली और हनमानी के साथ जी पाए। ये जो सिविल इंडिविजुअल जो राइट्स है, जो कॉमन लोगों को दिया गया है फॉर टू मोस्ट लिबरल डेमोक्रेसीज, जैसा कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड पीसफुल असेंबली, फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन एंड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। राइट, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट रीड्स हैं। राइट, वायलेशन ऑफ दीज राइट्स ये कहीं ना कहीं दैट कैन बी रिजल्टेड इन टू द पनिशमेंट्स एज प्रिस्क्राइब बाय द इंडियन पेनल कोड, तो दैट इज अनदर सॉर्ट ऑफ स्टोरी। वेल, यहाँ पर पर्टिकुलरली पार्ट थ्री ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कहा जा सकता है दोस्तों आर्टिकल फ्रॉम 12 to 35 कंसिस्ट करता है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट माना जाता है, दिल माना जाता है दोस्तों। सो यहाँ पर ह्यूमन राइट्स के बारे में बताया गया है बेसिकली। राइट, एंड यू नो बेसिकली इसके जो फंडामेंटल जो बातें हैं राइट्स को लेकर, इन आर्टिकल्स को लेकर, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। राइट, सो इन शॉर्ट अगर बात की जाए तो सबसे पहला आता है आर्टिकल 14 के बारे में, अगर बात करें पर्टिकुलरली। राइट, तो ये बताता है राइट टू इक्वालिटी के बारे में, 14 एंड 15। तो आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में बताया गया दोस्तों, राइट टू इक्वालिटी में। उसके बाद आता है आर्टिकल 15, ये बताता है कि रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इन किसी भी चीजों को लेकर किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन हम लोग नहीं कर सकते। सो दैट मेनली टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। राइट, अब इसके बाद आता दोस्तों राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल 16। तो आर्टिकल 16 मेनली बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। या दोस्तों, तो जब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात आएगी, सरकार की तरफ से हो या फिर प्राइवेट कंपनीज की तरफ से हो, यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी के बारे में बात की जा रही है। मेन एंड वेमेन को इक्वली ट्रीट करना होगा, इस बारे में इस हमारे संविधान में बताया गया। आर्टिकल 17 ये बेसिकली बात करता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सिंस फ्रॉम द एंशियंट टाइम अनटचेबिलिटी यू नो एक बहुत बड़ा सोशल इविल माना जाता है। राइट, सो बेसिकली ये 17th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में, यू नो पर्टिकुलरली अगर हम लोग हिस्ट्री में जाएंगे तो देखेंगे कि अनटचेबिलिटी को लेकर राजा राम मोहन रॉय जैसी पर्सनैलिटी और बहुत सारे ऐसे जो पाइनर सेंस क्रिएट करते हैं रेनेसा में, वो कहीं ना कहीं ह्यूमैनिज्म वाले प्रिंसिपल्स को जो लोग फॉलो करते हैं, उन लोगों ने अनटचेबिलिटी के खिलाफ बहुत सारे कैंपेन चलाई है। यही रीजन है कि इंडिया में भेदभाव बहुत ज्यादा होती है छूत छात को लेकर। यहां पर पर्टिकुलरली अबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में बात की गई आर्टिकल 17 ऑफ राइट टू इक्वालिटी। नाउ नेक्स्ट टू दिस आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 राइट टू इक्वालिटी के अंदर मैं बात करती हूँ दोस्तों अबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स के बारे में। राइट, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स का क्या चक्कर है। मामला सिंपल है दोस्तों, ब्रिटिश के टाइम में ब्रिटिश ने भेदभाव करने के लिए हिंदू मुस्लिम पॉलिसी को डिवाइड एंड रूल करने के लिए बेसिकली उन्होंने बड़ा और छोटा ये स्टेटस को कहीं ना कहीं क्रिएट किया था बाय गिविंग डिफरेंट टाइटल्स। तो इन टाइटल्स को भी अबोलिश कर देना, खत्म कर देना, इरेडिकेट कर देना, ताकि कोई अरिस्टोक्रेटिक पीपल इस तरीके से ना दिखे, वो स्टेटस में ज्यादा ना हो। राइट, सो इन चीजों के बारे में ध्यान रखा गया, राइट टू इक्वालिटी। नाउ नेक्स्ट टू दिस हमारा आता है आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22, ये आता है कैटेगरी राइट टू फ्रीडम। या दोस्तों, सो अब बात करेंगे आर्टिकल 19 के बारे में, ये मेनली बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर, अब देखिए यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हमारी रैंक क्या है, हमारा प्यारा भारत ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर दुनिया में कितने नंबर पे, किस स्थान पर आता है। राइट, अभी मॉडर्न रिसर्च जो है वो शो करती है कि कुछ 140 और 142 में फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बताया गया, पर्टिकुलरली मीडिया की जो स्पीच है, सॉरी मीडिया को लेकर जो फ्रीडम है वो हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा कम होता दिख रहा है। तो दैट इज अनदर सॉर्ट ऑफ स्टोरी।
तो यहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच होना बहुत जरूरी है, ये डेमोक्रेसी का ये एक इंपॉर्टेंट एसेंस है दोस्तों, जिसको फॉलो करना है, इंडिविजुअल राइट है। वेल ये था ना आर्टिकल 19। अब आता है दोस्तों आर्टिकल 20, ये बात करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, राइट। अब उसके बाद आता है दोस्तों आर्टिकल 21, ये बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट। सो जिंदगी को बचाना और यहां पर पर्सनली लोगों को आजादी देना, पर्सनल लिबर्टी देना, ये बात करता है आर्टिकल 21। अब इसके बाद 22, आर्टिकल 22, ये बात करता है दोस्तों प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, राइट। तो यहां पर बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जैसे हम लोग को ट्रायल मिलता है, एक कोर्ट में हमें सजा सुना दी जाती है, लेकिन दूसरे केस में हमें ये इजाजत दी जाती है कि हम ऊपर दूसरे कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं, और वेरियस टाइप के राइट्स दिए गए हैं अपने, अपने जो हमने गुनाह किया, जो ऑफेंस किया, उसको जानना और उसके खिलाफ अपने आप को डिफेंड करना, ये तमाम तर चीजें हमें डेमोक्रेटिक राइट्स के तौर पर दिए गए, हमारा संविधान बताता है ये। वेल इसके बाद आता है दोस्तों राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24 इसके अंदर में आता है। सो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के आर्टिकल 23 में प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेवल के बारे में बताया गया। तो मैं आपको बता दूं कि आज यहां पर जो चाइल्ड लेबरिंग वाला जो मामला है, ये इसके खिलाफ संविधान में कहीं ना कहीं पहले ही बता दिया गया कि अगर आप बच्चों को जोर जबरदस्ती या फिर किसी भी तरीके से उनसे काम करवाते हो तो आपको जेल हो सकती है, सजा हो सकती है इन चीजों के लिए। वेल तो इन चीजों के बारे में बताया गया। आर्टिकल 24 पर्टिकुलरली बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज, या दोस्तों ये मेनली बच्चों के ऊपर, चिल्ड्रेन के राइट्स के ऊपर बेस करता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो आप बच्चों को फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते हो, और बच्चों का राइट है 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को मुफ्त की फ्री में इक्वल एडुकेशन के लिए सभी को स्कूल भेजना बहुत जरूरी है, ये सरकार द्वारा जारी किया गया। सो उसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 28 को कंसिस्ट करता है दोस्तों। पर्टिकुलरली आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ कॉन्शायंस एंड फ्री प्रोफेशन के बारे में बात की गई है, राइट। फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, यानी आप अपने मजहब को लेकर अपने मजहब को फ्रीली प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर कोई हिंदू है तो मंदिर खुलकर जा सकता है, मुसलमान है तो वो खुलकर मस्जिद में जा सकता है, अपने तरीके से धर्म के हिसाब से अपने मजहब को प्रैक्टिस कर सकता है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, राइट। सो यहां उसके बाद मामला आता है दोस्तों आर्टिकल 26, ये बात करता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। तो अब सवाल ये पैदा होता है, अगर आपको फ्रीडम दिया गया तो याद रखना दोस्तों एवरी फ्रीडम इज सब्जेक्टेड टू सम लिमिटेशंस। तो यहां पर कुछ मैनेज करने के लिए रिलीजियस अफेयर्स को वहां पर थोड़े से मामलात भी है जिनको फॉलो करना बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि आप खुलकर कुछ भी कर लो। वेल आर्टिकल 27 इसके बाद ये बताता फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, या दोस्तों जो हम लोग डोनेट करते हैं मंदिर के लिए या फिर मस्जिद के लिए, कुछ भी हो। वेल इसके बाद आता आर्टिकल 28, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एडुकेशन इंस्ट्रक्शंस, राइट, इंस्टीट्यूशंस। वेल अब आता है दोस्तों सेक्शन कल्चरल एंड एडुकेशनल राइट्स, ये 29, 30 एंड 31 पर कंसिस्ट करता है दोस्तों। पहला 29 जो बताता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज के बारे में, तो माइनॉरिटी पीपल्स जैसे मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, ये माइनॉरिटी पीपल्स है, माइनॉरिटी कम्युनिटी है, इनको अलग से राइट दिया जाता है। वेल आर्टिकल 30 इसके बाद बात करता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एडुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और इनके बारे में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में भी प्रावधान है कि किस तरीके से इनको राइट्स एंड प्रिविलेजेस दिया जाएगा इंस्टीट्यूशंस में। आर्टिकल 31 बात करता है कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में, रिपेल्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। वेल यहां अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है दोस्तों राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, या दोस्तों ये है 32, 32A, आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 एंड 35, ये इसके इसमें कंसिस्ट करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। 32 में आता है दोस्तों रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। 32 में आता है पर्टिकुलरली कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ स्टेट
लॉज नॉट टू बी कंसिडर्ड इन प्रोसीडिंग्स अंडर आर्टिकल 32 रिपील्ड किया गया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 43rd अमेंडमेंट में, राइट। वेल 33 पावर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बात करता है, टू मॉडिफाई द राइट्स कंफर्ड बाय दिस पार्ट इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्सेस एसेट्रा। इसके बाद 34 रेस्ट्रिक्शन के बारे में बताता है, रेस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स कंफर्ड बाय दिस पार्ट व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया, राइट। अब इसके बाद आर्टिकल 35 लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट के बारे में बात करता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज आर्टिकल 21 के बारे में जब बात करेंगे दोस्तों, सो यहां पर बेसिकली ये बात करता है राइट टू एजुकेशन के बारे में, राइट। सो राइट टू एजुकेशन ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे संविधान का। वेल टिल देन अगर आपको वीडियो पसंद आया है